गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं आफरीन। एंड गाइस आज मैं जा रही हूं मेकअप करने के लिए, ऑब्वियसली वोट मेकअप के लिए। और इसके चक्कर में हम लोग 30 किलोमीटर तक आ गए। अब हम जहां पे रहते हैं वहां पे बैठ के तो ऐसा मेकअप पॉसिबल नहीं है, तो इन सब मेकअप आर्टिस्ट को ढूंढने के लिए हमें गाँव में आना पड़ता है। तो यही प्रॉब्लम है, बहुत दूर दूर तक हमें ट्रेवल करनी पड़ती है। तो इसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा दूर तक आए हैं एंड टाइम भी ठीक ठाक ही है, मतलब हम लोग आराम से मेकअप करके घर पहुंच सकते हैं। और जितना भी सामान वामान का जरूरत है वो सब मैंने ले लिया है, तो आप लोग चलो थोड़ा सा गांव का मजा ले लो। कीजिए, बट लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने कहा ना कि मैं वीडियो बनाऊंगी, तो आप थोड़ा सा कर्टन अगर दे दे तो अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, हम एक साइड में दे दे लाइट्स ना। हाँ इस साइड में एक पीछे प्लीज एक कर्टन लगा दीजिए ना, कोई भी एक। हाँ ये तो ठीक है। हाँ ये वाला ठीक है। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ना कर दीजिए, मैंने तो कहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी ना, तो अच्छा नहीं लगता ना बैकग्राउंड, तो इसको आप सेट कर दीजिए थोड़ा। अब एकदम ठीक ठाक है, थैंक यू पर्दे के लिए। अब स्टार्ट कीजिए फिर। अच्छा तुम बोले थे ना जे वीडियो बनाने को, तो इतना क्या नो बना, माने क्यों बना रहे हो? वो क्या है ना, एक्चुअली ना शादी पूरा सडन हो रहा है, मतलब बहुत ही जल्दबाजी में सब कुछ चल रहा है। अच्छा, तो इसीलिए यही सब हो रहा है। तो मैंने सोचा कि अपनी शादी में तो कुछ तो वीडियो खुद करना, क्योंकि इतना शॉर्ट टाइम में कुछ अरेंज नहीं हो पाया हमारा। तो है तो हाथे मेहंदी नहीं करोगे तुम? मेहंदी टाइम ही नहीं मिला ना, अचानक से सब कुछ सेट हो गया एकदम। अच्छा। ऐसा तो होता ही है, पता है। तो आप यदि चाहो तो हमी मेहंदी कोते पड़ी, तो हम थोड़ा कर देते हैं, एक घंटा टाइम लगबे, तो यदि टाइम हो हमी कोरे दीते पड़ी। मेहंदी ना होले तो उतना अच्छा नहीं लगता शादी वादी में, तो ठीक है पता है, बट क्या करूं। देखिए मैं ना वो स्टिकर मेहंदी है ना, वो जाते टाइम पे मैं खरीद लूंगी एक, तो मैं उसको लगा लूंगी। अभी ज्यादा तो टाइम ही नहीं है हमारे पास, और अभी कहाँ मेहंदी करूँ, इतना दूर मुझे जाना भी है अचानक से। आज तो पता है आपका सीजन चल रहा है शादी का, तो इसीलिए मेकअप आर्टिस्ट भी मुझे नहीं मिला था आज। तो मेरा तो घर काफी दूर है, मैं इतनी दूर आई हूँ आपके पास मेकअप करने के लिए, वरना बाकी सारे मेकअप आर्टिस्ट बिजी है। तो शुक्र है इनका इंटरव्यू अभी खत्म हुआ है और मेरा मेकअप चालू हुआ है। तो मेकअप चालू होने के तुरंत बाद ही वो आ गई थी, मेरे फेस को टोनर से क्लीन कर दी थी, ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद ये जो मॉइस्चराइजर क्रीम है, ये मॉइस्चराइजर क्रीम नहीं है, ये एक फेयरनेस क्रीम है जो कि काफी ड्राई था। तो ये जो ड्राई वाला क्रीम था, इससे वो मेरी स्किन को घिसे ही जा रही थी। मॉइस्चराइजर तो दूर की बात है, मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरी जो फेस है वो बेजान जमीन हो गया है एकदम, और इसमें वो फसल उगाने वाली है। अभी वो अप्लाई करने वाली है प्राइमर, जो कि काफी अच्छी बात है। प्लग नहीं किया ना, तो यदि मोनोकॉर्ड में कोड़े कर देती हूँ। नहीं मेरा ये आईब्रोज नेचुरल है, मैं इसको कुछ नहीं करती हूँ, ऐसे ही रखते हैं। करने से थोड़ा अच्छा दिखने में लगेगा। मैंने कभी किया नहीं ना, ये नेचुरल ही है मेरा, तो मैं नहीं करती सेट। मेहंदी नहीं किया, आईब्रोज क्यों ऐसे है, नेचुरल क्यों है, ये कर देती हूँ वो कर देती हूँ। यार वैसे भी मैं तुम्हें मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा पैसे देने वाली हूँ, उनको उससे साइड इनकम भी चाहिए, मतलब इसको करके क्या बताऊँ, मैं पागल ही हो रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आई हूँ, और ये लेडी जो है वो मेरी इंटरव्यू ले रही है कि ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। इतना क्वेश्चन तो मेरी टीचर ने भी आज तक मुझे नहीं किया स्कूल में। जो भी हो, अभी वो आ गई है एक आई पेंसिल लेके, मतलब आईब्रोज का पेंसिल लेके, इसी से वो ड्रॉ कर रही है, मतलब पता नहीं क्या होगा आज मेरे आईब्रोज को। आजकल ना आईब्रोज ड्रॉ करने के लिए ना ये मिलता है, ब्रश मिलता है सब कुछ, तो ये पेंसिल ना आजकल कोई यूज नहीं करता है, तो आपको ना वो खरीद लेना चाहिए। ठीक है, परे नेक्स्ट टाइम करबो। तबे मेरा इसमें एक टू माने भालो होए। अच्छा, तो इस जने अमी यूज़ तो। आजकल आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हो कि ये लोग गांव में रहते हैं, इन लोगों को ज़्यादा नहीं पता मेकअप के बारे में, तो आप जाके कुछ टीच करो, उनको सिखाओ। और मैं जब भी आप लोगों की बात सुन के मैं ये करने जाती हूँ ना, सिखाने जाती हूँ, तो ये लोग उल्टा जूते मेरे ऊपर मार देते हैं। आई मीन ये लोग हर वक्त सीखना तो दूर की बात, ये यही कहते हैं कि नहीं मुझे ये पसंद है, नहीं वो उससे नहीं होता, ये ज़्यादा बेहतर है। मतलब इन लोगों को सब कुछ पता है, तो इन लोगों को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से आप लोग देख ही सकते हो कि शिनचैन जैसा आईब्रोज बना ही दिया उस मैजिकल पेंसिल से इन्होंने। तो अभी आप आई मेकअप करोगे ना, तो आप ना मेरे ड्रेस के हिसाब से कर दो मेकअप। अच्छा, तो मैं बोल छिलाम जे
सबका तो ये ड्रेस एक लाल रेड होता है, आपका तो ये एक ग्रीन आचे, तो अमी रेड दिए कर दू, रेड वाला दे हाँ तो रेड कर सकते हो क्योंकि ब्लाउज भी तो ब्लाउज। मेरा हाँ रेड है, तो हाँ आप हाँ रेड और ग्रीन ना मिक्स्ड करके कुछ कर दो मेकअप। आप ब्रश नहीं यूज करते हो? ও আসলে একটু মানে ব্রাশ মে আমার একটু প্রবলেম হয়। कोई बात नहीं। इन्होंने अभी क्या किया, हाथों में थोड़ा सा आई शेडो लगा के उसी से फिंगर से वो काम चला रही है। यार ब्रश नहीं है, बोल देते कि नहीं यार नहीं करती हूँ ब्रश से मैं काम। वो ये बोल रही है कि ब्रश से तो अच्छा होता ही नहीं है, फिंगर से ही, मेरे फिंगर में तो जादू है, मैजिक है, मैजिक। इसी मैजिकल फिंगर से इन्होंने मेरी जो आई शेडो है उसको, मतलब ओवरऑल लुक है उसको, चामुंडा जैसे कुछ कर दिया। तो अभी वो उसी रेड चामुंडा कलर की, आई मीन रेड कलर के नीचे ग्रीन लगा रही है, और ये ग्रीन नहीं, ये मतलब ब्लू जैसा कुछ है। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा ड्राइंग कर रहा है मेरे आंखों के ऊपर। खैर ड्राइंग तो इतना बुरा होता नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि बेजान जमीन के ऊपर मतलब टमाटर उगाया गया है, मतलब नीचे का कलर है ग्रीन और ऊपर रेड रेड टमाटर। जो भी हो अभी वो टमाटर के ऊपर नेट लगा रही है, आई मीन सॉरी क्या कर रही है, आईलाइनर लगा रही है ताकि ये जो गार्डन है ये हरा भरा दिखे। मतलब ऐसे आई शेडो कौन लगाता है यार, आईब्रोज के नीचे तुमने रेड लगा दिया और नीचे एकदम तुमने ग्रीन लगा दिया, मतलब मेरी जो स्किन है उन्होंने घिस घिस के ऐसे बेजान बेजान जमीन तो कर ही दिया है, और उसके ऊपर वो फसल उगा रही है, ऐसा ही मुझे कुछ फीलिंग्स आ रही है। और मेरी आंखों को देखो, ऐसे बंगाली में एक कहावत है पोटल चिड़ा चोक, तो एग्जैक्टली वैसे ही लग रही है इसको देख के। तो अभी वो अप्लाई करने वाली है फाउंडेशन, और इस फाउंडेशन को वो ब्लेंड करने वाली है बहुत ही यूनिक टेक्निक से। कौन सी टेक्निक है वो आप लोग देख ही लो। मतलब क्या है ये एक ब्यूटी ब्लेंडर है, मतलब ये इतना ज़्यादा हार्ड था, मैं क्या बताऊँ, इतना चुभ रहा था ना मेरी स्किन पे, तो इससे एक अच्छा काम करते तुम ट्रैक्टर ही चला देते मेरे स्किन के ऊपर, वही अच्छा रहता। ये इतना ज़्यादा रफ था ना, ऐसे घिस 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 करके आवाज़ आ रही थी इससे, ये ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है, चुभ रहा है बहुत। तो हाथ दिए आंगुल दिए कर दो। माफ कीजिए, क्या बताऊँ, धीरे धीरे धीरे, थोड़ा सा धीरे। तो अभी लग रहा है जैसे वो छोटा वाला ट्रैक्टर चल रहा है मेरी स्किन के ऊपर, मतलब इतना मैं हर्ट हो रही थी, मैं क्या बताऊँ, इतना लग रहा था ना स्किन के ऊपर, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे छील रहा है मेरा पूरा फेस। तो सच में ये ज़मीन जैसा ही यूज़ हो रहा था मेरे फेस को, ऐसा लग ही रहा था कि यहाँ पे सच में अभी फसल ही उगने वाला है। तो चलो शुक्र है कि फाउंडेशन हो गया है, अभी वो कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही है। कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं, ये वो कीटनाशक वगैरह जो कुछ भी होता है ना जमीन फसल उगाने के पहले का जो स्टेप है वो वही कर रही है अभी। मतलब पूरा बंदर जैसा सफ़ेद कर दिया एकदम स्किन मेरा सच में। अभी वो इस ब्यूटी ब्लेंडर से मेरी चिक्स पे ब्लशर लगा रही है, मतलब मुझे चमेली बनाया जा रहा है एकदम। ब्लेंड कर दे रही हूँ। नहीं यार कहो कि मैं ट्रैक्टर चला रही हूँ, रुको रुको तुम थोड़ा, मैं ट्रैक्टर चला रही हूँ तो इसी से ही फसल उगेंगे, और ये कुछ ब्लशर नहीं है, ये बीज है, टमाटर का बीज है, ये का पत्ता गोभी फूल गोभी कितना कुछ है, उगा उगाओ सब कुछ उगा लो एक साथ। तो अभी वो अप्लाई कर रही है मस्कारा, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये खाली नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम पर ये खाली रहता है दूसरे मेकअप आर्टिस्ट के पास, तो इनके पास इसमें मस्कारा है, यही बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। तो ये जो आई लैश है तब मैंने नोटिस नहीं किया था, बट घर आने के बाद मैंने जब उसको रिमूव किया तब मुझे दिखा कि ये यूज़ किया हुआ है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत सारे ग्लिटर लगे हुए थे। तो यार यूज़ वाला आई लैशेज उन्होंने लगा दिया, सच में कितने ही मतलब लोग कितने अच्छे होते हैं ना दुनिया में। आजकल आई लैशेज जो है वो बहुत ही चीप प्राइस में मिलते हैं, बहुत ही कम प्राइस में मिलते हैं, बट ये लोग पैसे ले रहे हैं हमसे बट जेन्युइन चीज़ दे नहीं रहे हैं, मतलब कितना अच्छा बिजनेस है यार, सबको खोलना चाहिए एक एक, मतलब घर पर बैठ के मेकअप करना चाहिए सबको। अभी वो अप्लाई कर रही है क्या कहते हैं इसको, लिपस्टिक, हाँ तो अभी लिपस्टिक लगा रही है, और इसका कलर मतलब चॉकलेट जैसा है, हाँ ठीक ठाक है। हिंदू ब्राइडल मेकअप में कॉलका जो है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसको हमेशा अच्छे से करना पड़ता है। तो पता नहीं है कि ये पहले तो ऐसे फसल उगा ही रही थी मेरी स्किन के ऊपर, तो अभी पता नहीं कि ये कैसे ड्रॉ करेगी कॉलका, तो देखते हैं कि कैसा होता है। मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा डरी हुई हूँ कि लास्ट में मुझे भयानक मौंजुलिका ना बना दे। इतना दूर तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही था, मतलब ठीक ठाक था, बट अभी ये करने की क्या ज़रूरत, चिक्स में इतना बड़ा बैंगन बना, आई मीन इसको क्या कहते हैं पता नहीं, बट मैं इसको यही बोलती हूँ, तो ये बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और इसको वो वही वैसे टेक्निक से ड्रॉ कर रही है जैसे कि मेरी आई मेकअप को उन्होंने किया, पहले इन्होंने इसको अच्छे से ग्रीन कलर
कर दिया, मतलब पत्ता गोभी, उसके बाद फिर वो टमाटर उगाएगी आई मेकअप की तरह। फोरहेड में भी वही चीज होने वाली है, पहले तो उन्होंने फूल गोभी उगाया मतलब व्हाइट वाला, उसके बाद उन्होंने पत्ता गोभी उगाया ग्रीन वाला, और अभी आ गया ये टमाटर, मतलब पूरा हरा भरा खेत दिख रही हूँ मैं। इसी की कमी थी, मतलब वही पत्ता गोभी के ऊपर लाल लाल टमाटर उगा दिया इन्होंने इस बैंगन के अंदर, मतलब यही हो रहा है। और ये रहा वाईफाई का नेटवर्क, मतलब यहाँ से वाईफाई जाता है, मतलब वाईफाई वाला ही सिंबल है। पता है क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं खुद, मेरे पास वर्ड ही नहीं है कुछ कहने को, आप लोग ही बता दो कि ये क्या है। अभी वो पुराने ज़माने की तरह मोहर लगा रही है अपने ज़मीन के ऊपर, मतलब एस से उनका नाम स्टार्ट है इसीलिए उन्होंने एस लिख दिया यहाँ पे, ताकि सबको पता चल जाए कि ये ज़मीन किसकी है, किसने यहाँ पे हरा भरा सब्जी उगाया है, तो उसका नाम एस से शुरू होता है। तो उन्होंने अपना मोहर जो है अपनी ज़मीन पर लगा दिया, और अभी मैं एकदम हरी भरी सब्जी वाली दिख रही हूँ एकदम। तो अभी मैं ज्वेलरी वूली पहन के ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ। यहाँ पे मेरा तो ऑलरेडी नोज पिन पहना हुआ है, इसके ऊपर आपने प्रेशर डाल दिया पूरा। थोड़ा सा साइड में कीजिए। एक काम ही कर दो ना, मेरी नाक को यहाँ से काट के आप यहाँ पे सब्जी उगा दो, मतलब पूरे फेस पे उन्होंने सब्जी उगाया और नाक खाली बचा हुआ है, तो उन्हें लग रहा है कि मेरी जमीन खराब हो रही है, इसीलिए पूरा गुस्सा मेरी नाक के ऊपर निकाल रही है वो। अच्छा तो कितना देना पड़ेगा बोलिए, हमने 2000 बोला था, लेकिन उस हिसाब से ना मुझे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा मेकअप, मतलब उतना भी कुछ ये नहीं हुआ है। ना ना ना, 2000 के नीचे होबे ना, हमको तो आबो ना, ওটাই দিতে হবে। কারণ এখন লকডাউনে আমি বাজার থোড়া আচ্ছা না হ্যাঁ, তো এই জন্য আমার 2000ই দিতে হবে, আমি কনফার্ম করতে পারবো না। নেই ফির ভি আগার এক দো সে কম কর দিতে তো আচ্ছা হতো। একদম ভি নেই, এর পয়সা ভি নেই হোগা কম, একটু করতে পারবো না। তো 2000 এর নিচে আমি যদি করতে পারবো না, আর যদি আপনার প্রবলেম হয় তাহলে আগে যদি আমি জানতাম তাহলে আমি সত্যি তোমার মেকআপটা করব না, করতাম না। আরে নেই ওই কোনো বাত নেই, আর আমি তো কাল ভি আপকে পাশই আউঙ্গি, কিউকি কাল মেরা রিসেপশন হ্যায়, তো কাল ভি মই আপকে পাশই আকে মেকআপ করুঙ্গি, মানে তো আপকো পহলে সে বোল কে রাখা হ্যায়। ঠিক হ্যায়, বাট নেই এটা হবে না, আমি করতে পারবো না, হবে না, 2000ই আমার দিতে হবে। আর ঠিক হ্যায়, মই আপকো 2000 দে রহি হুঁ, বাট কাল আপ থোড়া সা কম কর দেনা প্রাইস, ঠিক হ্যায়। ঠিক হ্যায়, কাল দেখতে হ্যায় কিয়া হোতা হ্যায়। ঠিক হ্যায় ফির, ठीक है, थैंक यू। ठीक है तो फिर मैं कल फिर मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू। क्योंकि आधा अधूरा काम मत करना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आई लव यू, चुड़ैल वाली किसी।